الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري। एक छोटी सी हदीस है और इससे पहले भी हम ये रिवायत सुन चुके होंगे। ये बहुत ही अहम हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, कहते हैं कि एक आदमी ने आ करके अल्लाह के रसूल से पूछा, सवाल किया, जैसे अल्लाह के नबी वसल्लम मजलिस में रहते थे और सहाबा आपसे सवाल करते थे। तो एक शख्स ने आपसे सवाल किया, क्या सवाल किया, अय्युल इस्लाम खैर, ऐ अल्लाह के रसूल वसल्लम सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है, यानी इस्लाम में आने के बाद इस्लाम में हम हैं तो सबसे अच्छा अमल क्या है, यानी फ़राइज़ जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, नमाज रोज़ा जो फ़र्ज़ है, इस्लाम के जो अरकान हैं वो तो है ही हैं, ईमान के जो अरकान हैं वो उस पर तो हम अमल कर रहे हैं, इसके अलावा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है इस्लाम में। उलमा ने कहा फ़राइज़ के अलावा, तो फ़राइज़ के अलावा सबसे बेहतरीन अमल ऐसा बताइए क्या है, खैर सबसे अफजल अमल जो है वो बताइए मैं करना चाहता हूँ। अय्युल इस्लामी खैर, कभी कभी सहाबा के सवाल से हमको मालूम होता है, यानी जब हम उसमें गौर करें कि कैसे वो लोग थे, वो लोग मतलब नबी से वो पूछना चाहते थे ऐसा कुछ बताओ कि सबसे कीमती हो, वो कर लूँ और जन्नत में चला जाऊँ। तो पूछा सहाबी ने अय्युल इस्लाम खैर, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम आप बताइए सबसे खैर वाला इस्लाम क्या, इस्लाम में खैर अमल कौन सा, सबसे अफजल अमल कौन सा है। आपने दो बात बताई, दो अमल बताया आपने, आपने कहा तुतइमुत्ताम, नंबर एक खाना खिलाना, खाना खिलाना, खाना इंसान के बदन को ताकत देता है, खाना ग़िज़ा है, बदन की कुव्वत खाने से होती है, उसका ताल्लुक बदन से है, खाने का ताल्लुक बदन से है। आपने कहा सबसे अफजल अमल इस्लाम में फ़राइज़ के अलावा खाना खिलाना है, खाना खिलाओ। दूसरा अमल आपने बताया तक़्रा अस्सलाम, सलाम करना, जिसको तुम जानते हो और जिसे नहीं भी जानते हो कोई फ़र्क मत करो, पहचान वाला नहीं पहचान वाला है, मुसलमान है ना, सलाम करो, मुसलमान है सलाम करो। यहाँ उलमा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम ने दो चीज़ों को जमा किया, कौल और फ़ेल, कौली अमल कहना ज़बान से, कौली एहसान और फ़ेल करना, दोनों को आपने जमा कर दिया। एक इंसान की ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें आ जाएँ कि वो ज़बान से लोगों के साथ एहसान करने वाला हो जाए, ज़बान से एहसान सलाम करना, सलाम दिलों को जोड़ता है, उल्फत व मोहब्बत पैदा करने की सबसे बड़ी चाबी सलाम है, चाबी है, चाबी दिल जुड़ जाते हैं। आप करके देखिए, कोई भर्ती नहीं लगती है, कोई लाइट बिल नहीं आता, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ सलाम करके निकल जाइए, आप रोज़ाना एक आदमी को सलाम कीजिए, नहीं जानते आप उसको, धीरे 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 अगले दिन वो आपको मिलेगा, वो आपको सलाम करेगा, न आप ना उसको पहचानते हो ना वो आपको पहचानता है, बस जानते हो कि आप मुसलमान हैं, बस कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आप सलाम करके रोज़ाना गुजर जाओ। इतना बड़ा जरिया है कौल। नबी ने कहा सलाम करना, आज ये भी चीज़ें हम लोगों से ख़त्म हो रही हैं, हम उसे करते हैं जिसको जानते हैं, या उसमें भी बहुत से लोगों से हम सर नीचे करके निकल जाते हैं। सलाम को आम करना, सलाम करना, इससे क्या होगा, दिल जुड़ेंगे, मोहब्बतें पैदा होंगी, दिल में उल्फत व मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। घर में भी सलाम करें, बीवी को सलाम करें, बच्चों को सलाम करें। आज आदमी समझता है कि लोग मुझको सलाम करें, लोग मुझको सलाम करें, मैं क्यों करूं, इससे अना टूटती है, सलाम करने से अना टूटती है, तवाज़ो पैदा होता है, दिल से तकब्बुर निकलता है। अल्लाह के नबी वसल्लम जब जाते थे मदीने की गलियों में, बच्चों को सलाम करते थे, बच्चों को सलाम करते थे। आज हम बच्चों को बोलते हैं इधर आ, इधर आ, तूने देखा नहीं मेरे को, सलाम नहीं किया तू, हम बच्चों को बुला के डांटते हैं, तूने सलाम नहीं किया मुझको, अरे तुमने क्यों नहीं किया। नबी बच्चों को सलाम करते थे,
तो एक चीज ये कि सलाम, नबी ने कहा कि इस्लाम में सबसे खैर वाला अमल, अफजल अमल दो है, एक ये सलाम को आम करो, सलाम करो, नंबर दो खाना खिलाओ। खाना खिलाना भी ये बहुत कम हो गया है, इसमें भी देखिए आदमी महीनों महीनों गुजर जाते हैं अपने और अपने बच्चों में, खाना पीना मस्त रहता है, कभी खिला नहीं पाता किसी को। आप पहले के हमारे वो बुजुर्गों को देखिए, नेक लोगों को देखिए, हमारे बाप दादा को देखिए, कितना कितना ज्यादा कि मतलब खाने पर किसी ना किसी को बुलाते रहते थे, खिलाते रहते थे। आज इतना ज्यादा ये चीज इतनी निकल चुकी है हमारे दिलों से, हमारे घर से, वही चीज हमारे बच्चों में भी आएगी, वो भी बस अपने और अपने बच्चों मस्त रहेंगे, कभी उनकी जिंदगी में नहीं आएगा कम से कम खाना खिलाओ ना, कि कम से कम कुछ लोगों को देखें। इसमें सब आता है, खाना खिलाने में आप मेहमान को खिलाएं, आप जो दोस्तों को खिलाएं, आप फकीरों को खिलाएं, आप किसी को भी जो आपके पास नेमत है खाने वाली वो दो। जरूरी नहीं कि सिर्फ फकीरों ही को दो, एक आदमी अगर दोस्तों को भी खिलाता है, अपने पास नेमत दिया, मेहमान आए उनको, मेहमानों को दावत दिया उनको खिलाया, दोस्तों को दावत दिया उनको खिलाया, या फकरा को भी खिलाया, सब इसमें आते हैं। सारी वो दावत, सारी वो चीजें जो एक इंसान किसी को खिलाता है अल्लाह की रजा के लिए, बस शर्त क्या हो, अल्लाह की रजा के लिए, उसके दिल में यह हो कि अल्लाह ने मुझको नेमत दिया है, मैं इस नेमत को लोगों को खिलाऊं, खिलाओ लोगों को, सवाब मिलता है। हम ये अपने घरों में पैदा कम से कम हफ्ते में एक आध दिन तो किसी खिला दें, 15 दिन में, एक महीने में तो कम से कम किसी को दावत ले लें, खिला दें इस नीयत से कि अल्लाह ने मुझको नेमत दिया, मैं खिलाऊंगा। ये करना चाहिए, ये दो नेमतें, ये दो अमल नबी ने बताया, आप अपनी जिंदगी में जमा कर लें। फराइज तो हम कर रहे हैं, फराइज के अलावा दो चीजें जमा कर लें, जब भी हमको मौका मिले अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते रहें किसी को भी, और नंबर दो अल्लाह की रजा के लिए हम सलाम करते रहें। इंशाल्लाह हम इस्लाम में नबी की जबान से सबसे अफजल अमल हम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ये दो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।